नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर टुडे। मैं इस वक्त मौजूद हूं बेगूसराय में। बेगूसराय में नगर निगम इकाई का चुनाव होने वाली है, उसी को लेकर प्रत्याशियों का दौर जनताओं के बीच जाना शुरू हो गया। आज हमारे बीच जो है भावी उम्मीदवार मेयर पद पर है, जो 43 नंबर वार्ड से है, मुमताज खातून जी हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि अब मेयर पद की उम्मीदवार बनी है क्या उद्देश्य लेकर। मुमताज खातून, मैं 1 से 45 तक जनता को सेवा करेंगे। लाला और सड़क, बिजली बिल, इंदिरा आवास, राशन कार्ड सब नए है, उस सब को हम बनवाएंगे और सफाई करवाएंगे। नगर निगम में बहुत सी समस्या, उसको कैसे सॉल्व करेंगे? हो जाएगा जी, यही उम्मीद के लिए आप जी हम लोग उस जनता खड़ा करवाए हैं, तो हम जरूर उसका निवास करेंगे। शुक्रिया पत्रकार महोदय को। सबसे पहली बात यह है कि हम जो है मेयर पद से उम्मीदवार को समर्थक किए हैं। 1 से 45 वार्ड तक परेशानी है कि सड़क, जहाँ देखिए आज देख लीजिए, 2-4 दिन पहले होमगार्ड के पास नाला टूटा हुआ, उसमें भी लोग मोटरसाइकिल, साइकिल, पैदल जो होता है गिर जाता है, उससे लोग मृत्यु हो जाता है, जिससे परेशानी हो रहा है। और गंदगी का मामला यह है, जहाँ भी जाइए देखिए, मतलब चलना मुश्किल है कि गंदगी का भी मतलब सही जगह उपयोग नहीं कर रहा है, मतलब उठाता जहाँ तहाँ फेंकता है। इतना गंदगी है कि कहीं नाला टूटा हुआ, एक तो पहला काम उतना नहीं भी पैसा सरकार को बर्बाद किया है, इसलिए बर्बाद किया, सब काम उल्टा करवाया, इसलिए कर जनता को उतना पहुँच नहीं पाया फ़ायदा। इसलिए हम इसको समर्थक किए, हम सोचे आए हमें जनता खोजे कि आप आइए, हम आपको साथ में हैं और कोई जाति धर्म का बात नहीं होगा, इसलिए मुझे सब सपोर्ट किए हैं कि आप आइए, आपसे होगा। नल लग गया है लेकिन पानी अभी तक नहीं आया है। नल तो लग गया है लेकिन देखिए पानी नहीं आया अभी तक। और रह गया बात सर, सबसे बात बड़ी बात यह है कि यहाँ पर पहले जो था मेयर को मेयर बोलता है, वार्ड पार्षद जी जो है ना 20 लाख 15 लाख में खरीदता था, और मेयर डरता था, इसलिए डरता था कि कहीं हमको साल दो साल में गिरा ना दे, इसलिए विकास नहीं हो पा रहा था बिहार के। महिला को जैसे होगा तो सुरक्षित करवाएंगे, और आगे बाद उसको छोटा मोटा रोज़गार देंगे, घर में बैठे ही काम करेगा, वैसा कुछ रोज़गार है जो महिला को काम दिलवाएंगे। वो अपने प्रत्याशी से, उम्मीदवार से, इस लेकर कि बेगूसराय की समस्या है सबसे बड़ा, ट्रैफिक, नाला, जल, कहीं देख रहे कहीं कि गड्ढा हो चुका है, 1-1 फीट पानी जमा हुआ सर, 1-1 फीट पानी जमा हुआ है। और यहाँ पर आते हैं बड़े बड़े हस्ती, इसलिए मुझे जनता बोला आप आइए, हम उसके सामने खड़ा नहीं हो पाएंगे, हम उनके सामने खड़ा नहीं हो पाएंगे, आपसे ज़रूरत पड़ेगा। अगर हम नहीं जानते हैं तो आपसे हम कालर पकड़ के हाथ जोड़ कैसे नहीं हो, कालर पकड़ के आपसे काम करवाएंगे, हमारा पावर नहीं कि हम उसके सामने खड़ा हो पाएंगे। इसलिए जनता मुझे सपोर्ट किया है, 1 से 45 तक हर एक वार्ड में से लोग कम से कम 10-15 मिल के आए, और अपने हमारे 43 वार्ड से बोला आप अपने वाइफ को लड़वाइए, हम लोग आपके साथ में। तो हम वो डर गए कि भैया हम कैसे लड़ पाएंगे, ये तो हाथी सब है, हम इससे लड़ नहीं पाएंगे। बोला यहाँ हाथी की बात नहीं, सरकार ने अब ऐसा सुरक्षा दिया है कि आप लड़ सकते हैं। और रह गया बता, हाथी पैसा के बल पर खरीदेगा लेकिन जनता होशियार हो चुका है, इसलिए कर बोला हम कुछ भी करें आप खड़ा होइए, हम आपको जिताते, और जीत के कगार में ये जा रही है, ये मुमताज खातून जी जीत के कगार पर जा रही है, जनता जितना इनको सपोर्ट दिया है जीत के कगार पर जा रही है, और हर एक वार्ड किसी चुनौती नहीं है, ये जीत चुकी है, ये जीत चुके हैं, इसलिए कर जीत के कगार पर नहीं जीत चुके हैं, इसलिए कर कि अगला कैंडिडेट जो है बहुबली हाथी,
हमें जनता साथ दे रही है, आपको डरने की जरूरत नहीं, हम आपके साथ हैं। गाड़ी चलाने का है सपना, लेकिन जिंदगी के भागदौड़ और महंगाई से है परेशान, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आ गया है बैटरी पर चलने वाला स्कूटी, जो आपके पेट्रोल के खर्च को बचाएगा और उससे आप अपनी किस्त भर सकते हैं। अब यह स्कूटी आपके अपने शहर और गाँव में भी उपलब्ध है। किसान मोटर्स पेश करता है इलेक्ट्रिक पर चलने वाला स्कूटर, जो कि किट्रॉन एवं एम्पियर दोनों कंपनी की गाड़ी नगद एवं किस्त पर उपलब्ध कराता है। वही नहीं, किसन मोटर्स गाड़ी का स्पेयर पार्ट्स भी उपलब्ध कराता है। किसन मोटर्स अब आपके अपने शहर मीनापुर मुजफ्फरपुर के हिमायत पट्टी रोड में मिडिल स्कूल के सामने मौजूद है। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक स्कूटी नगद एवं किस्त पर उपलब्ध कराया जाता है। तो जल्द आइए और अपने सपने को पूरा करिए और महंगाई के जमाने में पेट्रोल के खर्च से बचिए।